बॉलीवुड अभिनेत्री और बिग बॉस फेम पायल रोहतगी अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में आ गई। पायल रोहतगी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है, लेकिन पायल ने अपनी कई पोस्ट में महात्मा गांधी से लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की कुछ तस्वीरें पोस्ट की और उस पर आपत्तिजनक कमेंट की। सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट को लेकर अब पायल रोहतगी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही। बूंदी के सदर थाने में पायल रोहतगी के खिलाफ, गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के और धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ है। चरमेश शर्मा हैं बूंदी के रहने वाले, इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है पायल रोहतगी हैं जिनके खिलाफ कि 21 सितंबर 2019 को इन्होंने फेसबुक पे कोई जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी व अन्य के संदर्भ में कोई आपत्तिजनक पोस्ट की है। तो इस पर एतराज करते हुए इसमें उन्होंने रिपोर्ट दी है, जिस पर धारा 66 और 67 आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। इसमें कितनी सत्यता है, क्या आपत्तिजनक उसमें तथ्य है, इस बारे में जांच की जाएगी। सर, जो रिपोर्ट दी है उसमें तो फेसबुक के स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी सम्मिलित किए हों? हाँ, कुछ दिए हैं उन्होंने, पेन ड्राइव्स के अंदर उसका मटेरियल दिया है और कुछ पेपर्स भी दिए हैं उसके साथ में। हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पाए। बूंदी पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पायल रोहतगी के खिलाफ मामला दर्ज कराने नावे समाज सेवी और यूथ कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा का कहना है, महापुरुषों का चरित्र हनन करके कोई सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। बॉलीवुड की अभिनेत्री जो बिग बॉस की प्रतिभागी भी रही हैं, पायल रोहतगी ने दुर्भावनापूर्वक सितंबर माह में अपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देश की स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू जी और उनके परिवार की महिलाओं के प्रति बहुत ही अभद्र व अश्लील टिप्पणी की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी की धर्म पत्नी के बारे में बहुत ही अभद्र व चरित्र हनन करने वाली टिप्पणी की। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की और अपराध किया। देश के स्वतंत्रता सेनानी पूरे देश के हैं, वो किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं। उन्होंने पूरे देश के लिए संघर्ष किया और उन्होंने जो त्याग तपस्या की, अंग्रेजों से लोहा लिया, उसी के परिणाम आज हम 125 करोड़ भारतीय स्वतंत्रता में जी रहे हैं, आज़ादी का उपभोग कर रहे हैं। उन स्वतंत्रता सेनानी परिवार की महिलाओं के प्रति अपद्र टिप्पणी कर पायल रोहतगी जी ने बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि हमारे संविधान में नारी का सम्मान सर्वोच्च है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु नु पूज्यन्ते सर्व निष्फला क्रिया। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता रमण करते हैं, और जहाँ पर नारियों का अपमान होता है वहाँ सभी कार्य विफल हो जाते हैं। तो ये नारी शक्ति का अपमान किया है। स्वतंत्रता सेनानी परिवार की वो महिलाएँ मोतीलाल नेहरू जी की धर्मपत्नी हो या फिर जवाहरलाल नेहरू जी की धर्मपत्नी हो, जिन्होंने जब ये लोग जेल में होते थे तो वो देश के लिए संघर्ष करती थी, स्वतंत्रता सेनानी का कार्य करती थी, उनके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए। तो ये कितनी गंदी बात है कि उन महिलाओं ने जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, आप आज आज़ादी का उपभोग तो कर रहे हो जो उनके त्याग से हमें मिली, लेकिन उनके ऊपर उंगली उठा रहे हो। तो ये बहुत घिनौनी बात है। इसके विरुद्ध वैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए मैंने राजस्थान पुलिस सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। यही मांगे हमारी तो कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग अपने आप को सार्वजनिक जीवन में सेलिब्रिटी कहते हैं, उनको अपने शब्दों पर मर्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरे का अपमान और चरित्र हनन करके, महापुरुषों का चरित्र हनन करके कोई सेलिब्रिटी नहीं बन सकता। वह अपने आप को शर्मिंदा जरूर कर सकता है, तो पायल रोहतगी ने ऐसा अपराध किया है कि उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। चरमेश शर्मा का आरोप है कि पोस्ट में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के लेकर भी ऐसी बातें लिखी गई है जिससे भारत के विदेशी संबंध प्रभावित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।